इसमें मामले जो है कि आप डिफेंस के वकील हैं, मुख्तार अंसारी की ओर से आज जजमेंट आना था, इसको लेकर के सर क्या क्या लीगल प्रोसीडिंग है और क्या कुछ डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर करेंगे। गैंगस्टर एक्ट में जो गैंग चार्ट है उसमें अभियोजन द्वारा दो मुकदमे दर्शाए गए हैं गैंग चार्ट। एक तो मुकदमा है करंडा थाने का 302 का, कपिल देव सिंह मर्डर हत्याकांड का केस है, और दूसरा मुकदमा जो है मोहम्मदाबाद थाने का है जो 307 है। ये दो मुकदमे गैंगस्टर एक्ट के गैंग चार्ट में दर्शाया गया है। अब 307 में मुकदमा जब दर्ज हुआ तो उसमें मुख्तार अंसारी जेल में थे और वो नामजद अभियुक्त FIR में नहीं थे। 307 में सेकंड विवेचक द्वारा लास्ट पर्चा में मुख्तार अंसारी को 120B की बढ़ोतरी करके अभियुक्त बनाया गया और आरोप पत्र उनके विरुद्ध और सोनू यादव के विरुद्ध माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। अब 307 में सोनू यादव 3 जून 2010 को बरी हो चुका है माननीय न्यायालय द्वारा। अब मुख्तार अंसारी के खिलाफ फैसला आना बाकी है और एक मुकदमा जो है 2009 में थाना करंडा में कपिल देव की हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें भी मुख्तार अंसारी जेल में थे और नामजद अभियुक्त नहीं थे और उनको बाद में 120B का अभियुक्त बनाया गया। उस समय वो जेल में और अभियुक्त बनाकर उनके खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया गया और एक चंदन यादव सह अभियुक्त था 302 में, उसको भी अभियुक्त बनाया गया। तो चंदन यादव जो है और मुख्तार अंसारी 302 के मुकदमे में कपिल देव सिंह हत्याकांड में बरी हो चुके हैं माननीय न्यायालय। सोनू यादव सह अभियुक्त था, वो 3 जून 2010 को बरी हो चुका है। अब सर आगे इन दोनों मामलों में न्यायालय में क्या कुछ होना बाकी रह गया? अब देखिए माननीय अपर सत्र न्यायाधीश MLA जो सोनू यादव सह अभियुक्त था वो 3 जून 2010 को बरी हो चुका है। अब सर आगे इन दोनों मामलों में न्यायालय में क्या कुछ होना बाकी रह गया? अब देखिए माननीय अपर सत्र न्यायाधीश MLA महोदय द्वारा निर्णय के लिए तिथि नियत की गई है। अब माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाना है। अब ये माननीय न्यायालय का विषय है कि कब निर्णय हो, क्या क्या डेट तय की गई है कोर्ट की ओर से। 19 मई जो है 307 में नियत की गई है। अच्छा। और 20 मई जो है 307 में नियत की गई है और 20 मई जो है गैंगस्टर में नियत की। डिफेंस के लॉयर होने के नाते आपने एक्विटल के लिए अपील की है, क्या ग्राउंड रखा है? अब देखिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारे सीनियर अधिवक्ता विजय शंकर राय साहब बहस किए हैं, लिखित बहस दिए हैं। अब उसमें क्या पॉइंट उन्होंने रखा है अब इसके बारे में वही बता सकते हैं।